बहुत डिलीशियस है। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे हम जरूरी ट्राई करते हैं, कभी मिस नहीं करते। यहाँ के सबसे फेमस हलवे है जो हम हमेशा खाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इस वक्त मैं लखनपुर में हूँ। यहाँ पर लोग अक्सर यहाँ पे जो बल्ले हैं उनका जायका ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में क्यों रुकते हैं और आखिरकार इन बल्लों में ऐसी क्या स्वादिष्टता है कि जो उनको खींच लाती है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल अधिकारी है। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ। तो कहाँ जा रहे थे आप? हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके अभी लौट रहे हैं और हमने यहाँ पर जो इनके बल्ले हैं, जो इनके बड़े हैं, मूंग के जो बनते हैं, इसके बारे में सुना था और आज हमने कहा इसका आनंद लिया जाए। बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं, शायद इनका तारा चाट हाउस में है अभी हम, ये बहुत अच्छा बनाया इन्होंने और हम चाहते हैं कि सभी यात्री जहाँ पर प्रवेश द्वार है ये जम्मू का आपके कठुआ में लखनपुर, वहाँ पर स्वागत जो स्ट्रीट फूड से यहाँ पर करते हैं लोग, बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं और इनका व्यवहार ही बहुत कुशल है। ये बताएंगे कि इस तरीके के जो आप बड़े खाते हैं, ऐसा टेस्ट कहीं और देश में कहीं मिलता है? ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। पहली बार यहाँ पर ये टेस्ट मिला, यहीं पर मिला। जो इनकी रेसिपी है, जो इनकी चटनी है, जो इनके इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स जो मिलाते हैं वो बहुत स्वादिष्ट बना रहे हैं उस चीज़। मेरे को ये लगता है कि जब आप माता जी के दर्शन करने गए तो तब भी यहाँ पे रुके होंगे आप? जी, उस समय भी हम यहाँ पर रुके थे, उस समय भी हमने खाया था और वापसी में फिर पुनः हमने इस चीज़ पर स्वाद लिया। तो लोगों को क्या रिकमेंड करें? मैं यही कहूँगा कि जो हमारे कठुआ है उसके जो लखनपुर जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर अगर जब आप यहाँ से आपकी गाड़ी जाए तो वहाँ पर आप जरूर इस चीज़ का आनंद लें। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय अधिकारी। संजय अधिकारी जी, आप कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड हल्द्वानी। हाँ, तो आपको किस तरीके का टेस्ट लगा? मैं देख रहा था कि आप बल्ले खा रहे थे। काफी अच्छा टेस्ट है। इस तरीके का टेस्ट कहीं और मिलता है? ना, कहीं नहीं मिलता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? आए यहाँ माता के दर्शन में यहाँ रुके, यहाँ का जायका आनंद लें, काफी अच्छा स्वाद है यहाँ का। किसी भी टाइम पे पहुँचते हैं तो हम ये जरूर खाते हैं। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप यहाँ से आ रहे हो लखनपुर से तो प्लीज ये ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यमी होता है। तो आप बताएंगे इसमें किस तरीके का वो टेस्ट रहता है, किस तरीके की इसकी चटनी रहती है या किस तरीके का इसका टेस्ट लोगों को? इसका टेस्ट काफी चटपटा होता है और ये जो भल्ले है ये दाल के होते हैं ना? हाँ, दाल के भल्ले होते हैं और जो चटनी है वो बिल्कुल अमेजिंग है। उसके साथ ये लोग मूली भी देते हैं, रेडिश देते हैं, बहुत यम्मी है। और ये वाली ग्रीन वाली चटनी भी बहुत टेस्टी होती है। जब भी हम देखते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए यात्री हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, सर्दी हो गर्मी हो, हमेशा लोग ये यहाँ के ये पसंद करते हैं क्योंकि ये होते ही बहुत टेस्टी है। आप भी खाओ, आप भी टेस्ट करो, बहुत यम्मी होते हैं। तो लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे आप कि जब भी यहाँ आए तो प्लीज ये ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस है। और अगर आपने ये नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया, आपने मिस कर दिया अगर आपने ये नहीं खाया तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवती है, आई एम फ्रॉम चंबा, हिमाचल। तो आप कहाँ से आ रहे हो? चंबा से आ रही हूँ, हिमाचल से। अच्छा, तो जहाँ आ रहे हो? जम्मू जा रही हूँ मैं। तो ये बताएंगे कि आपकी प्लेट में, मैं हाथ में देख रहा हूँ प्लेट है, बल्ले की प्लेट है, किस तरीके का टेस्ट रहता है यहाँ के लखनपुर के मशहूर बल्ले? बहुत डिलीशियस है। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे हम जरूरी ट्राई करते हैं, कभी मिस नहीं करते हैं इसको, हमेशा खाते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरीके का टेस्ट होता है कि जो और जगह में नहीं मिलता है? बहुत डिफरेंट है यहाँ का टेस्ट। मैंने और जगह भी ट्राई किए बट ये वाला टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिलता। यहाँ का टेस्ट एकदम डिफरेंट है, चटपटा। तो जो लोग बाहरी राज्यों से आते हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, हिमाचल हो, तो लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? जब क्योंकि हमने देखा है कि काफी सारे लोग माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं, या लेह में जाते हैं, लद्दाख में जाते हैं, आप उनको रिकमेंड क्या करोगे? डेफिनेटली उनको कहूंगी कि प्लीज गिव इट अ ट्राई, कभी भी मिस मत करना, बहुत डिलीशियस होते हैं ये और ये बहुत डिफरेंट होते हैं, कहीं नहीं ऐसे ऐसे कभी भी नहीं मिलेंगे खाने के लिए कहीं और। थैंक यू मैम। चाचा जी ये क्या है? हमारा छोले दाल है। हाँ, छोले दाल। तो इसको क्या करते हैं? पहले फिर उसके बाद ठंडा चलता है। कितनी देर चलता है ये? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा चलता है। किस चीज की ये होती है? दाल होती है, कौन सी दाल होती है? चना दाल होती है। चना दाल। कितनी देर इसको ये आप करते हो प्रोसेस को? इसको आधा घंटा लग जाता है। आधा एक मिनट। कितनी होती है ये यहाँ पे? ये इसमें 3.5 किलो। 3.5। ये लखनपुर के बल्ले कितने सालों से यहाँ पे आप लगा रहे हो? बहुत पुराने, तीसरी चौथी पीढ़ी आ रही है आपकी। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनसा। आप कहाँ के रहने वाले हो? जय लखनपुर के। लखनपुर के। हाँ जी। काफी सारे लोग आते, पसंद करते हैं? बिल्कुल फेमस खाते हैं।
कौन कौन से बल्ले के कौन कौन सी वैरायटी होती है? हमारे पास बड़े होते हैं मसाले वाले, पनीर पकौड़ा आता है, मिर्ची पकौड़ा आता है, ब्रेड पकौड़ा आता है, राम बल्लों की कौन कौन सी वैरायटी होती है? बल्लों की एक मसाले वाले होते हैं, एक प्लेन होते हैं। अच्छा, प्लेन होते हैं। हाँ, बड़े भी होते हैं कुछ? बड़े होते हैं। मिर्ची वाले भी होते हैं? मिर्ची वाले होते हैं। चटनी इसमें कौन सी यूज होती है? इसमें इमली चटनी होती है, मीठी होती है, दही वाली होती है। ये थे हमारे साथ पर्यटक जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने खास तौर पर केसर टीवी से बात करते हुए कहा कि जब भी हम जम्मू कश्मीर में आते हैं, इन बल्लों का, ये जो बल्ले हैं इनका हम जायका जरूर लेते हैं। और जितने भी सेलिब्रिटी, चाहे वो बॉलीवुड से हो या पंजाबी मशहूर सिंगर हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ जो बॉर्डर लगता है वो पंजाब का लगता है, कहीं जो पंजाबी सिंगर हैं वो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए, चाहे कश्मीर हो चाहे लेह लद्दाख हो, वो अगर सड़क के रास्ते से आते हैं तो लखनपुर में ज़रूर रुकते हैं। वहीं यात्री और पर्यटक भी यहाँ पर रुकते हैं और इन बल्लों का जायका लेते हैं। और ये बल्ले काफ़ी फेमस हैं और लोग इनको खाने के लिए और इनका जायका लेने के लिए हमेशा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार में, लखनपुर में रुकते हैं। हरप्रीत सिंह सेठी, केसर टीवी, लखनपुर, कठुआ।